तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एडी करंट्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाट आर एडी करंट्स, डिसएडवांटेजेस एंड वेज टू मिनिमाइज यूजेस ऑफ एडी करंट्स। हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है व्हाट आर एडी करंट्स। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैग्नेट को पीवीसी पाइप के अंदर से फ्रीली ड्रॉप करिए। ध्यान रहे कि मैग्नेट पीवीसी पाइप की वॉल से ना टकराए। फ्री फॉल में बार मैग्नेट के ड्रॉप होने का टाइम रिकॉर्ड करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में सेम लेंथ के एल्यूमिनियम पाइप से सेम एक्सपेरिमेंट करें और फ्री फॉल का टाइम रिकॉर्ड करें। हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम पाइप से ड्रॉप होने में बार मैग्नेट को ज़्यादा टाइम लगता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और इसका कारण है एडी करंट्स। इसके अलावा भी एडी करंट के इफ़ेक्ट्स हम कॉमनली देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो आइए अब एडी करंट्स को डिटेल में समझते हैं। एडी करंट्स की स्पेशल बात यह है कि ये बल्क बॉडीज में फ्लो करते हैं। इनका शेप बिल्कुल पानी में उत्पन्न होने वाली भंवर की तरह होता है। इस करंट में जो एनर्जी यूज होती है उसके कारण डैम्प्ड मोशन हो जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि मेटेलिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। जब प्लेट फील्ड के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर रही है तो फ्लक्स लिंक्ड चेंज हो रहा है, जिसके कारण प्लेट में करंट इंड्यूस हो रहा है। मतलब ये कि प्लेट की काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। अगर प्लेट टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो इस मोशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में भी यही हो रहा था। जब मैग्नेट एल्यूमिनियम पाइप से फ्रीली फॉल कर रही थी तो उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जा रहे थे, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही थी और उसको नीचे तक आने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि जब बार मैग्नेट मेटेलिक प्लेट के पास आती है तो फ्लक्स लिंक टू द प्लेट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण प्लेट में ईएमएफ इंड्यूस होता है जो हमें एडी करंट्स के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मैग्नेट प्लेट से दूर जाती है तो फ्लक्स लिंक टू द प्लेट डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण प्लेट में ईएमएफ इंड्यूस होता है जो एडी करंट्स के रूप में दिखाई देता है। दोनों ही केसेस में डिफरेंस एडी करंट के डायरेक्शन का होता है।